पहली बात तो ये चीज तू इसलिए सवाल कर रहा है मेरे से क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बचाने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक 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 बात सुनो, मैं मातर या हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। ये सवाल मैं जितने करिए 2024 में दिखा देगा इंशाल्लाह भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। अल्लाह के हुक्म से हम इंशाल्लाह मोदी को जिता कर लाएंगे, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को पहले भी अल्लाह ताला ने जिताया था और 2024 में भी नरेंद्र मोदी को खुदा ही जिताएगा, मेरा अल्लाह ताला जिताएगा इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। भारत का मुसलमान बिल्कुल नफरत नहीं करता नरेंद्र मोदी के साथ है। 40 करोड़ मुसलमान ये 2024 में दिखा देगा योगी और मोदी के साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मोदी फिर जीत कर आएगा। सनातन धर्म पे तुम ऐसे टिप्पणी बाजी कर रहे हो और भारत का हिंदू सोरा शांत बैठा है। अरे भाई मजाक मना के रख दिया तुमने राम की किताब का, इन्हें राम का सम्मान करने नहीं आता इन लोगों पे। उन्होंने रामचरितमानस पे भी कहा था कि जो उसमें रामचरितमानस में श्लोक है उनको भी फाड़ा, रामचरितमानस के पर्चे भी फाड़े, उनको जलाया। ठीक है, लगातार विवादों में रहते हैं और हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करते रहते हैं। देखिए पत्रकार साहब मोदी में कहना चाहूंगा ये 80 करोड़ हिंदुओं को एक उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल से इन्होंने जमुना को बेचने का काम किया, गंगा माँ को बेचने का काम किया, खनन खुलेआम हुआ, तो ये शुरू से 70 साल से हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, अत्याचार होता है और सनातन धर्म को खत्म करने में ही लगे हुए। बिल्कुल ये इन्होंने निर्णय ले लिया है क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज पर आप देख लीजिए राम की किताब पर ये टिप्पणी बाजी करना, तरह तरह के आरोप लगाना और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और भारत का जो हिंदू जो ठेकेदार है वे रोड पे क्यों नहीं आ रहे, उन्हें बड़ा आंदोलन करना चाहिए इन जैसों के खिलाफ, इन जैसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन जैसों को जेल में डालने का काम करना चाहिए। अरे सनातन धर्म पे तुम ऐसे टिप्पणी बाजी कर रहे हो और भारत का हिंदू सोरा शांत बैठा है। अरे भाई मजाक मना के रख दिया तुमने राम की किताब का, इन्हें राम का सम्मान करने नहीं आता इन लोगों पे। यार ये हिंदू नहीं है ये, भाई ये फर्जी है, ये डुप्लीकेट है, ये सनातन धर्म को और हिंदू को बदनाम करने में लगे हुए। तो ये भारत के हिंदुओं को सोचना है, 2024 का चुनाव करीब है और देख लो किस तरीके के हथकंडाज मारे, तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलने का। अगर इन लोगों को सजा दे सकता है तो मोदी दे सकता है, इन जैसों पर कार्रवाई कर सकता है मोदी कर सकता है, क्योंकि मोदी 80 करोड़ हिंदुओं के लिए और 140 करोड़ जनता के लिए भारत के लिए लड़ रहा है, मजदूर छोटे व्यापारी किसान के लिए लड़ रहा है। तो ये भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है हमें 2024 में किसे वोट देना है। एक हसीबुल रहमान जानते होंगे, मुस्लिम सपा पार्टी के सांसद हैं, वो यहाँ पे नहीं रुकते कि वो हिंदू धर्म को कह देते हैं कि वो धोखा है, फरेब है। हसीबुल रहमान कहते हैं कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम जिस दिन राम मंदिर की 22 तारीख है उस दिन प्रार्थना करेंगे कि हमें अल्लाह हमारी मस्जिद वापस दिलवा दे, क्या कहेंगे उस पे? देखिए पत्रकार साहब महोदय, वे इतने पुराने सांसद है, बुजुर्ग आदमी है, उन्हें इस तरीके का प्रयोग, इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें सभ्यता से बोलना चाहिए और देश के अंदर उन्हें प्रेम मोहब्बत की भाईचारे की बात करनी चाहिए, देश तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम मुस्लिम के लीडर हो, तुम बुजुर्ग आदमी हो, सबसे एक इतनी उम्र तुम्हारी, कई बार के सांसद तुम रहे हो और इस तरीके का बयानबाजी करना, हिंदू मुस्लिम करना, दंगा करना, ये झगड़ा करना, ये सिर्फ मात्र चुनाव के टाइम ये इस तरीके का बयानबाजी होता है। अरे भारत के मुसलमान को तोड़ने का काम कर रहे, ये लड़ाने वाले काम नहीं है तो और क्या है? अरे भाई इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। आज भारत का मुसलमान बिल्कुल नफरत नहीं करता नरेंद्र मोदी के साथ है। 40 करोड़ मुसलमान ये 2024 में दिखा देगा योगी और मोदी के साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मोदी फिर जीत कर आएगा, क्योंकि मोदी को जो प्रधानमंत्री बनाया वो अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला फिर 2024 में जिताएगा इंशाल्लाह। अरे मियां, आपको नहीं लगता कि चुनावी जुमला है? जिस तरह का मुसलमानों के वोट पाने के लिए ऐसा करा जा रहा है, सनातन धर्म पे कोई भी आके टिप्पणी कर देता है, वो उदयनीन स्टाइलिन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या रहमान जी हो या क्या कहते हैं मुफ्ती सामून कासमी हो, वो बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस पर बयान दे देते हैं। जैसे अगर आपकी बात करी जाए तो आपके क्या कहते हैं राम मंदिर को तोड़ने की बात कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ये टिप्पणियां क्यों करी जाती है सनातन धर्म? देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही है, ये 70 साल से हिंदुओं को पीछे हटाने का काम किया गया, 70 साल से हिंदुओं को बढ़ने का काम नहीं कांग्रेस ने किया,
अगर आज हिंदुओं का बढ़ावा है, क्या हिंदू आज शिक्षा पे आया, अच्छी रोजगार पे आया, अच्छी तालीम मिली है, क्या आज सनातन धर्म को हिंदू मान रहा है, क्या अपने सनातन धर्म को बचाने में लगा हुआ है? तो ये इस तरीके की जो तरह तरह की टिप्पणी बाजी कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं तो पत्रकार साहब, मैं तो पहले भी कहा था आपको, ये जो आपके ठेकेदार है हिंदुओं के, जो सनातन धर्म के, वे बाहर रोड पे क्यों नहीं आ रहे? अरे इन जैसों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अरे तुम तरह तरह की टिप्पणी बाजी राम के ऊपर करना और राम को आज शब्द गलत बोलना, ये 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 शोभा नहीं देता। अरे ये भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन जैसों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन जैसों को जेल में डाल देना चाहिए जो किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी बाजी करता है। ये क्या तरीका है भाई? चुनाव अलग चीज है, तुम धर्म के ऊपर जो चुनाव लड़ते हो, ये भारत की जनता जान चुकी है, भारत का हिंदू भी जान चुका है। और 70 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम रहा है, लेकिन अब 2014 से जब मोदी जी आए, हिंदू मुस्लिम खत्म हो चुका है। अब भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और 2024 में दिखा देगा इंशाल्लाह भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। अल्लाह के हुक्म से हम इंशाल्लाह मोदी को जिता कर लाएंगे। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को पहले भी अल्लाह ताला ने जिताया था और 2024 में भी नरेंद्र मोदी को खुदा ही जिताएगा, मेरा अल्लाह ताला जिताएगा इंशाल्लाह। सिंपल यादव का बयान आता है, कहता है कि वो निजी बयान है, मगर ऐसा कुछ स्वामी प्रसाद मौर्या ने बोला नहीं कि वो उनका निजी बयान है। पार्टी के नेता है, बयान देने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। पत्रकार हो, मुझे खाली घुसल के फर्ज बता दो, आप मुसलमान हो, ये टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं होता। और दूसरी बात, अगर ये घुसल के फर्ज बता देंगे तो हम मानेंगे ये मुसलमान है। घुसल के फर्ज पूछ लो इनसे, चलिए बताइए तो कोई दूसरी कितने फर्ज है घुसल में ये बता दो। एक मिनट मेरी बात सुनो, टोपी तो आप भी लगा सकते हो, टोपी सवाल मेरा ये, मेरे सवाल ये है, जो नरेंद्र मोदी को मुसलमान पक्ष में, मैं नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। ये टोपी लगाए हुए मुसलमानों में सबको घुसल के फर्ज याद है भाई, तू टोपी लगा हुआ घुसल के फर्ज बता दे, हम कह देंगे आज ही तू मुसलमान। हेलो, एक बात बता दो, आप इनको मुसलमान बता रहे हो, मेरी सारी बातें काट दो, मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ आपके, घुसल के फर्ज बता दूं, और आसमानी किताबें मुसलमानों में कितनी उतरी है ये बता दे भाई। पहली बात तो ये चीज तू इसलिए सवाल कर रहा मेरे से क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बचाने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक 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 बात सुनो, मैं मातर यहाँ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। ये सवाल मस्जिद में करिए मेरे से, ये सवाल मस्जिद में करिए। दूसरी चीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात बता दे मुझे, ये सवाल आप इसलिए कर रहे हो मेरे से, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। अरे भाई जब नहाने के लिए जाता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब नहाने के लिए जाता है तब तक पहले छह मिलियन में मेरी सारी, मेरे को मजा था नाने में, जब मैंने 10 बार समझाया है, अरे मेरी मुझे टोपी लगा के पहले ज्ञान ले ले, समझा ज्ञान मेरे को है, ये तू सवाल मेरे, मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ दूसरी बार तू है ना, आपका कहना ये ज्ञान टोपी नहीं लगती, क्यों नहीं लगाएगा ये टोपी लगाएगा? आप मेरी एक बात सुन लो, आप बोलो, आप पहले माइक में बोलो, फिर कांग्रेस के लोग हैं अपनी टोपी क्यों नहीं लगाएगा भाई, मेरी बात सुनो, ये बात कर रहे सवाल यहाँ करने की है। चलो मैं एक बात नहीं कर रहा है, एक बात सुन लो चाचा, अगर मैं गलत बोलूँ तो बता देना, तुम्हारी जूती हो मेरा सर, तू मुसलमान है, मुझे खाली घुसर के फर्ज बता दे कितने। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड, अरे सुन तो लीजिए,